तुम सब जानते हो कि क्या करना है। कमान से निकला तीर, मुंह से निकली हुई बात और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आते। हम आज इसको मिलकर खत्म करेंगे। समझो हमारे पास सिर्फ एक ही तीर है। तीर लग गया तो लग गया, वरना हमारे सामने एक ताकतवर दुश्मन है और वो हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तुम समझ गए मेरी बात? तुम मुझे ढूंढ रहे हो उस्मान साहब? क्या तुम अपने भाई के कातिल की तलाश में हो जिसे मैंने कत्ल किया? लो फिर, सामने हूं मैं, सल्वाडोर। चलो तो फिर इसे हम मर्दों की तरह ही हल करते हैं। मेरे सामने तुम आए ही कब हो मर्दों की तरह सल्वाडोर? क्या सिर्फ तुम मुंह के वार करते हो या तलवार के भी? एक सिपाही के लिए तुमने मेरे बहुत से आदमियों को मारा है। तुम्हारा क्या ख्याल था मैं इसे भूल जाऊंगा? अब तुम मेरे जाल में फंस गए हो। जब तक ये सरजमीन खून से तर ना हो जाए, इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। वक्त आ गया है कि तुम एक एक करके खत्म हो जाओगे। याद रखो, हक है अल्लाह, हक साथ अल्लाह की। वरना नहीं। हट जाओ। अगर अपने साथियों को मरवाना नहीं चाहते तो फेंक दो तलवार उस्मान, मैं तुमसे दोबारा ये नहीं कहूंगा। ऐसा हरगिज नहीं करिएगा।
आपने मुझे बुलाया अम्मी जान? हाँ बेटी, बैठो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आलीशान साहब के बारे में बात करना चाहती हूँ तुमसे। तुम्हारे बाबा तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें उसे हरगिज नहीं देंगे, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन तुम्हें आलीशान साहब से ही शादी करनी होगी आयकुल। तुम्हारे बाबा, हमारा और इस कबीले का, यहां तक कि तुम्हारा भाई बतूर, उसका मुस्तकबिल भी इस पर मुनसर है। आप ये क्या कह रही हैं? कैसा मुस्तकबिल? तुम्हारे बाबा के सरदार बनने का मुस्तकबिल। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं अम्मी? देखो बेटी, मैं एक मुआलिज हूं। अतुल साहब कई दिनों से बीमार हैं, वो इस बीमारी को छुपा रहे हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन खामोश रही। जब वक्त आएगा तुम्हारे बाबा की सरदारी की राह हमवार हो जाएगी। ताल्लुक क्या है इस बात का मेरे साथ अम्मी? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उस्मान कितना जुनूनी है। ये सब होने के बाद उस्मान ना तो तुम्हारे बाबा को माफ करेगा और ना तुम्हारे भाई को। अगर तुम्हारे बाबा सरदार नहीं बनते तो फिर उस्मान बनेगा सरदार, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता सिवाय आलीशान साहब के। समझी मेरी बात? तुम्हारे लिए खून की दावत तैयार कर रखी है उस्मान। कोई चीज तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। बताइएगा इस काफिर को। दमिर नहीं, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। दमिर बकैन। बहुत जज्बाती मंजर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुझे नहीं बताओगे कि अदाबाली कहां है, मैं तुम्हारे एक एक सिपाही का गला काटता चला जाऊंगा। ले आओ इन्हें। दमिर मेरे भाई, दमिर मेरे भाई। बारकोट Ah!